हेलो, आज मैं अपनी लाइफ कोचिंग की जर्नी के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहूंगी। ये कोचिंग की जर्नी थी, बहुत खूबसूरत थी, नहीं है। और ये बहुत खूबसूरत क्यों है, क्योंकि एक अच्छा कोच बनने के लिए आपको अंदर से आपकी खुद की सफाई करनी पड़ती है। पहले आपके कुछ फियर्स होते हैं, कुछ लिमिट्स होती हैं, उसे तोड़ना पड़ता है, राइट? तो मैंने एक सबसे बड़ी चैलेंज जिस एरिया में फेस की वो थी पैसों को लेकर। ओके, मेरे में ये था कि पैसों से ना मेरा रिलेशनशिप कुछ अजीब सा था। मैं ज्यादा पैसों में डील नहीं करती हूँ, बट मुझे ऐसा था, पैसा तो अच्छा लगता है, कमाना भी है, बट किसी से मांगना नहीं है। मतलब कि अगर मैं कोचिंग सेशंस भी लेती हूँ तो मैं किसी से पैसा मांग नहीं सकती थी, क्योंकि जब भी पैसा मांगने का टाइम आता था, एज अ प्रोफेशनल यू हैव टू टेक योर चार्जेस, बट जब पैसा मांगने का वक्त आता था तो मुझे ना अजीब तरीके से पसीने छूटने लगते थे। मतलब आई वॉज फीलिंग स्ट्रैंगुलेटेड, आई वॉज फीलिंग कि मैं काम नहीं कर पा रही हूँ बराबर से। जब भी पैसे की कोई बात करता था तो मैं काम नहीं कर पाती थी, सॉरी। लेकिन बिना पैसे के आई यूज टू वर्क वेरी नाइस, मेरी क्रिएटिविटी बाहर आती थी, सब कुछ ठीक ठीक होता था। फिर मुझे मेरे मेंटर्स ने कहा कि खदीजा, आप ऐसे काम नहीं कर सकती, क्योंकि आप क्लाइंट को रिजल्ट नहीं दे पाओगी। अगर आप पैसा चार्ज नहीं करोगी तो आप उनको वो अपने गोल तक नहीं पहुंच पाएंगे, बिकॉज ये एक ऐसी चीज है जो अकाउंटेबिलिटी है आप दोनों के बीच में। तो कभी कभी ऐसा हुआ है कि जब क्लाइंट ने मुझे खुद बोला है कि सिस्टर खदीजा, वी आर रेडी टू पे दिस मच फॉर योर चार्जेस, प्लीज टेक द सेशन, और जब भी क्लाइंट ऐसा बोलता था तो पता नहीं मुझे पसीना छूट जाता था। आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल। इसके लिए मैंने बहुत सारे लोगों से बात की कि मुझे क्यों ऐसा होता है। ऐसा नहीं कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, बट किसी से मांग नहीं सकती, खुद की मेहनत का भी मांग नहीं सकती। एंड उससे बचने के लिए मैं एक बोलती थी, मैं तो ना सोशल वर्क करती हूँ, फी सबील अल्लाह काम करती हूँ, बट एक्चुअली वो नहीं था। डीप अंदर, बिकॉज मैं मांग नहीं सकती थी, मैं उसको ये वर्ड दे देती थी, और मैं बहुत लाइफ में रिजल्ट्स भी नहीं क्रिएट कर पाई फ्री काम करके। बहुत सारा कुछ हुआ, बहुत सारे लोगों ने मुझे समझाया, समझ में सब आ जाता था यहां पर, बट वो जब वक्त आता था तब मैं फेल हो जाती थी वापस। एक दिन रात को लगभग 3:15 बजे मुझे ना जोर से सपनों में, पता नहीं सपना था क्या था, मुझे आवाज सुनाई दी, और वो आवाज थी मेरी मॉम की, और वो आवाज मुझे बोल रही थी, तू चोर है। और मैं उठ खड़ी हो गई, बिकॉज इट वॉज नॉट एन ईजी थिंग। ये आवाज जो मैंने बचपन में 5-6 साल की उम्र में सुनी थी, वो आवाज ने आज मुझे हिला दिया, और वो आवाज मेरी माँ की थी। मैं ऐसे सर पकड़ के बैठ गई, और मैं जब पीछे गई तब मुझे समझ में आया कि जब मैं छोटी थी तो वी वर लाइक वेरी मिडिल क्लास काइंड ऑफ फैमिली, पापा सऊदी में थे, यू नो, एंड वेरी मिडिल क्लास, मतलब वी हैव टू लुक इनटू एवरीथिंग बिफोर स्पेंडिंग द मनी। सो मेरी मम्मी ना कभी भी उसको जब लगता था कि कोई उससे ज्यादा पैसा ले रहा है, या तो डॉक्टर दवाई देके बोल रहा है वापस कल आ जाना दिखाने के लिए, तो यू नो शी इज टू ऑलवेज यूज दिस वर्ड, साला चोर है देखो, यू नो, बिकॉज शी हैड टू स्पेंड मनी विच वॉज नॉट वेरी कम्फर्टेबल फॉर हर। सो वो हमेशा यही वर्ड यूज करती थी, साला चोर है, साला चोर है। अभी ये जो वर्ड, ये जो सेंटेंस था ना, ये 5 साल की बच्ची के सबकॉन्शियस माइंड में इतना रह गया कि अभी कॉन्शियसली मुझे इतने 40 सालों में कभी याद नहीं आया, बट वो फाइल कहीं ना कहीं थी मेरे दिमाग में, जो मुझे रोक रही थी किसी के पास से पैसा लेने के लिए, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैंने किसी को चार्ज किया तो कल कोई मुझे भी ऐसा ही बोलेगा कि ये चोर है, एंड आई डोंट वॉन्ट टू हियर दैट, यू नो। तो आपको ये, और जब मुझे ये समझ में आ गया तब आई
डायग्नोज हो गया ये चीज का, तो मैंने अपने आप से सवाल पूछा कि खदीजा ये थॉट तुमको काम लग रहा है लाइफ में आगे जाने के लिए, या तुम्हें वो रोक रहा है, लिमिट कर रहा है तुम्हारी ग्रोथ को? तो पता चला ये तो लिमिट कर रहा है। बचपन में जो हुआ था वो बोला था, मम्मी के कुछ हालात थे, मम्मी के कुछ फियर्स थे, इसका मतलब ये नहीं कि ये फियर मैं भी अपने सबकॉन्शियस में लेके घूमू। एंड आई ओवरकेम दैट। मैंने इसे, अभी मुझे कोई पैसा मांगने में, कुछ चीज में हिचकिचाहट नहीं होती, ना वो पसीने आते हैं ना कुछ। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, और ये शेयर करने का मकसद ये है कि क्या कोई ऐसी, ऐसा कोई कमांड है, पेरेंटल कमांड या सोसाइटल कमांड, जो आपको रोक के रखता है, जो आपको ग्रो नहीं होने देता? शायद आपके कॉन्शियस माइंड में ना हो, लेकिन यहां पर हो। तो प्लीज सोचे और अपने आप से सवाल कीजिए कि ये कमांड जो आपको बचपन में मिला है, ये आपको कितना मदद कर रहा है अभी लाइफ में? मुझे तो नहीं मदद कर रहा था, तो मैंने इसे छोड़ दिया। आप क्या करना चाहेंगे?